तो वही ना शेस्तन मॉल में। आप बताएं आप कौन हैं? ठीक है या कोई और? अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं तो मैं अरसा इन फारूकी के छोटे बेटे। जी बिल्कुल। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? मैं नूर हूँ, तुम आपकी छोटी बहन और अत्या खाला की भांजी। वाकई? फिर तो आप बिल्कुल अपनी हैं। जी मेरा मतलब है कि घर की बात है, आइए मैं आपको अम्मी से मिल पाता हूँ। जी बिल्कुल, आप वगैरह बहुत खूबसूरत है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो आपको देखकर ही लगता है कि इमाम की अम्मी और अतिया की बहन आप ही हो सकती हैं। मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था। हर वक्त आपकी तारीफ करती हैं अतिया और इमाम, आपका ही जिक्र रहता है घर में। ये दोनों खुद बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बेटी नूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आए ना नूर बेटे। अच्छा जी, तो ये है नूर। माशाल्लाह भैया, आपकी तो छोटी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू आंटी जी। आपके एक्सक्यूज मी बेटा, वो आपको मैंने काम कहा था आपने कर दिया अरसा? वो सो सॉरी अम्मी, मैं भूल गया था। बस अभी हो जाएगा, मैं भी आता हूँ। प्लीज नूर, आपके मंगेतर नहीं आए? मंगेतर? हाँ, आपकी अम्मी बता रही थी कि आप अपने मंगेतर के साथ आ रही हैं। जी वो ओ मैं समझ गई, हमने उन्हें बकायदा दावत नहीं दी इसीलिए वो नहीं आए, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि आप एंगेज्ड हैं, वरना मैं आपके मंगेतर को भी दावत देती। खैर एनीवेज, मैं जरा मेहमानों को देखूं, आप लोग प्लीज बैठिए। अतिया आओ। आपको क्या जरूरत थी मैडम फारूकी को बताने की मेरी मंगनी हुई? मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम अपनी मंगनी क्यों छुपाना चाहती हो? मैं आपको समझ रही थी जुनेद को तुम यहाँ साथ लेकर आओगी। नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि जुनेद को साथ मिलाऊंगी। नूर तुम चाहती क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इमाम पे बुरा इंप्रेशन आ। क्यों, मुझ पे क्यों? क्योंकि मैडम फारूकी सोचेंगी कि बड़ी बेटी में क्या खराबी है कि छोटी बेटी की पहले मंगनी हो। बस कर दो नूर, बंद करो ये हंगामा, ये बातें घर जाके भी हो सकती हैं। मैम फारूकी ने सुन लिया तो हमारा क्या असर पड़ेगा उन पे? इसका दिमाग अगर काम नहीं करता तो आपको तो करना चाहिए। नूर पता नहीं तुम क्या क्या सोचती हो। मुझे तो लगता है कि इस पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही सोचती हूँ। अच्छा आहिस्ता बोलो। नहीं आहिस्ता क्या, आपने उनके सामने बोलती कि मेरी मंगनी हुई थी? नूर जी, इमेज खराब करने वाली बात है।